आईपीएल 2024 सीजन का पहला मैच तो आरसीबी और सीएसके के बीच था, लेकिन पूरे मैच में आरसीबी ना तो ग्राउंड में दिखी और ना ही स्टैंड में आरसीबी के फैंस दिखे। पीले समुद्र में आरसीबी फैंस और आरसीबी प्लेयर कई गुम हो गए थे। चलो छोड़ो, मैच की बात करते हैं। मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और बाकी सब ने बोला भी कि सही फैसला है और आरसीबी की शुरुआत भी धमाकेदार हुई। फेफ डू प्लेसिस ने लगातार रन बनाना चालू रखा, 40-45 रन भी बना दिए स्टार्टिंग के 3-4 ओवरों में। फिर क्या, आरसीबी ठहरी बता दी अपनी औकात, दे दिए 5 विकेट बैक टू बैक। तो अच्छा है कि अनुज रावत और डीके ने पारी को संभाला और अंत तक लेके गए और सीएसके को 174 रन का टारगेट दिया। स्टार्टिंग में तो सीएसके की बॉलिंग लाइनअप को भी देखकर लग रहा था कि ये क्या है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, अपने स्टार्टिंग के 2 ही ओवरों में 4 विकेट ले जाते हैं। कुछ समय पहले तक तो लग रहा था कि मुस्तफिजुर रहमान को हॉस्पिटल की जरूरत है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद आरसीबी फैंस को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ने लगी। सेकेंड इनिंग की शुरुआत होती है और आरसीबी के बॉलरों से जिसकी उम्मीद थी एकदम उस पर खरे उतरे। ऑक्शन में जिस प्रकार की बॉलिंग लाइनअप बनाई ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी परफॉर्म किया। मतलब सीएसके के यंग ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ जो कि सीएसके के कैप्टन थे और रचिन रविंद्रा ने एकदम आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप को ढो डाला। वो तो ग्रीन ने 2 विकेट ले लिए, नहीं तो इसको तो 11 करोड़ देने का कोई फायदा नहीं दिखा। आईपीएल 2024 का पहला मैच था जिसे सीएसके ने आरसीबी को 6 विकेट से हरा दिया और सेकंड सीजन की नए कप्तान ने जीत के साथ शुरुआत की। वैसे कल सीएसके की कप्तानी कौन कर रहा था, वो तो बस ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि ऋतुराज को तो स्क्रीन पर दिखाया नहीं।